माहौल आप आज यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कहूंगा कि पूरे देश में इस समय पे खासतौर पे आज हजारों कार्यक्रम लगे हुए हैं। ये माहौल कोई सामान्य माहौल नहीं है। भारत एक क्रिटिकल फेज में एंटर कर रहा है। आज वो समय है जब हम लोगों को ये चूज करना है, हम लोगों को ये निर्धारित करना है कि भारत प्रबुद्ध भारत की तरफ जाएगा या भारत दोबारा से ब्राह्मीणवाद का शिकार हो जाएगा। पिछले 70 साल में आपने खास तौर पे जब से हमारा ये संविधान लागू हुआ है उसके बाद से आपने जो प्रगति की है, उसके बाद से आपने जो विकास किया है, उसके बाद से आपने जाति व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए इस देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना करने का जो सम्यक प्रयास किया है, उस प्रयास का ही परिणाम है कि आज कहीं ना कहीं ग्रामीणवाद पूरी तरीके से डगरा गया है, पूरी तरीके से घबरा गया है, कांपने लगा है। आज उन्हें सड़कों पर आने की जरूरत पड़ रही है। ये आपके आंदोलन की जीत है साथियों। इस जीत को हमें स्थायी बनाने के लिए, हमारी इस जीत को स्थायी बनाने के लिए खास तौर पे बाबा साहब ने जो संविधान का निर्माण किया उससे संबंधित दो बातें कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा साथियों। एक बहुत बड़ा कहना चाहिए भ्रम पैदा करने का प्रयास किया गया पिछले 70 साल के अंदर कि बाबा साहब जब संविधान सभा में आए तो उस संविधान सभा में उनके आने के पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। मैं इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा। आप जानते हैं कि 1946 में जो संविधान निर्मात्री सभा का चुनाव हुआ उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस ने प्रयास किया कि बाबा साहब को संविधान सभा में ना पहुंचने दिया जाए। क्यों? क्योंकि उस समय जो चुनाव होना था वो चुनाव एमएलए करते थे और हमारे पास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के पास उस तरह के एमएलए नहीं थे, इतने एमएलए नहीं थे, एक व्यक्ति हमारे पास थे। इसलिए बाबा साहब को बंगाल जाना पड़ा और वहां पे जोगेंद्रनाथ मंडल और दूसरे साथियों ने बाबा साहब को संविधान सभा में चुन के भेजा, जिसका परिणाम हुआ कि बाबा साहब संविधान सभा में आ पाए। लेकिन ब्राह्मीणवादियों ने, मनुवादियों ने, कांग्रेस के लोगों ने इस तरह का दुष्चक्र चलाया कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जसनू और खैलोर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उस कॉन्स्टिट्यूंसी को पाकिस्तान को दे दिया। इसलिए बाबा साहब पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए। इसलिए बाबा साहब को अपनी सीट गंवानी पड़ी। उसके बाद बाबा साहब ने जबरदस्त आंदोलन किया और इंग्लैंड में खास तौर पे जो लॉर्ड एटली थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस समय पे थे, जो वहां के विपक्षी दल के नेता थे उस समय पे, वहां पे विंस्टन चर्चिल थे जो वहां की महारानी थी, उनके साथ बाबा साहब ने जबरदस्त पत्राचार किया, जबरदस्त बातचीत की, अपना लॉबिंग की और ये बात वहां तक पहुंचाई कि अगर मुझे संविधान सभा में नहीं पहुंचने दिया गया, अगर अनटचेबल्स के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं किया गया तो बाबा साहब ने उस समय पे पहली बार 1946 में स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ये ना समझे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने हकों को लेना जानते हैं। हमारी एक लंबी परंपरा रही है, खासतौर पर अनटचेबल कम्युनिटी की एक लंबी परंपरा रही है, युद्ध करने की लंबी परंपरा रही है, संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाने के। बाबा साहब ने पहली बार ये स्टेटमेंट दिया था कि हम लोगों को बम भी चलाना आता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ ले कि हमको बहुत अच्छे से बम चलाना आता है। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे हकों को ब्राह्मीणवादी ताकतों के हाथ में नीलाम करना चाहती है तो ना सिर्फ हम ब्राह्मीणवादियों के खिलाफ लड़ेंगे बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी विद्रोह कर देंगे। तब जाके अंग्रेजों ने, खास तौर पे लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड एटली ने और विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस को यह कहा कि अगर आपको स्वतंत्रता चाहिए, अगर आपको 15 अगस्त को स्वतंत्रता चाहिए तो बाबा साहब को आपको संविधान सभा में लाना पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस की यह मजबूरी हो गई कि उन्होंने अपने किसी एक व्यक्ति को कहा कि भाई हमें स्वतंत्रता हमारी आगे जा रही है, हमारी स्वतंत्रता को खतरा है, इसलिए बाबा साहब को मजबूरी में संविधान सभा में लाना पड़ा। और उसी में विंस्टन चर्चिल ने, उसी में लॉर्ड एटली ने कहा था कि बाबा साहब को सिर्फ आपको सदस्य ही नहीं बनाना है बल्कि बाबा साहब को महत्वपूर्ण स्थान देना है, बाबा साहब को संविधान सभा की जो निर्मात्री सभा है, जो कमेटी है, उसका चेयरमैन भी उसी आधार पर मिला। इसलिए ये हमें देखना पड़ेगा कि जो कांग्रेस का दुष्प्रचार है वो वास्तव में ब्राह्मीणवादी दुष्प्रचार है। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए संविधान कितना भी अच्छा हो, बाबा साहब ने खुद इस बात को कहा कि संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान अपने आप में ही चलता,
संविधान को चलाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है, मानवतावादी लोगों की जरूरत होती है। अगर संविधान ये गलत लोगों के हाथ में चला गया तो आपका कोई भला नहीं हो सकता है, खासतौर पे बहुजन समाज का कोई भला नहीं हो सकता है। इसको आप इस रूप में देख सकते हैं साथियों कि जब 2014 में ये सरकार आई, अभी तो संविधान बदला नहीं है, अभी तो सेम संविधान हमारा चल रहा है, 70 साल से सेम संविधान चल रहा है। 70 साल से हमारा किसी भी जगह पे, चाहे वो हमारी न्यायपालिका है, चाहे वो हमारी कार्यपालिका है, चाहे वो व्यवस्थापिका है, हमें ठीक से हक नहीं मिले हैं। लेकिन पिछले 4 साल में किस प्रकार से ताकत महत्वपूर्ण होती है, उस चीज को आप देखिए कि जब 2014-15 के अंदर केंद्र सरकार के जो जॉब थे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनकी संख्या 95,000 थी। 95,000 जॉब्स 14-15 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एडवर्टाइज हुए। लेकिन पिछले साल 17 से 18 साल 2017 और 18 में जो एडवर्टाइज हुए हैं उसकी संख्या सिर्फ 13,000 है। मतलब 93% जॉब खत्म हो गए हैं। लोग वही हैं, संविधान वही है, लोगों की मंशा गलत है, लोगों के विचार गलत है। इसलिए जब तक आपकी ताकत नहीं बनेगी, जब तक आपका जो है संगठन नहीं बनेगा, जब तक आप अपनी ताकत को सड़कों पे नहीं दिखाएंगे, संविधान नहीं काम कर पाएगा। अगर संविधान की सुरक्षा करनी है, अगर संविधान को लागू करना है, तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा जहां से संविधान लागू होता है। दो संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण है जहां से संविधान लागू होता है, एक है हमारी पार्लियामेंट और दूसरी है हमारी न्यायपालिका। पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व नहीं है, पार्लियामेंट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ओबीसी का प्रतिनिधित्व नहीं है। जो लोग वहां पे आपके नाम पे पहुंचे हैं वो आपके प्रतिनिधि नहीं है, वो तो गांधी के हरिजन है, वो तो गांधी के चमचे हैं, वो तो अम्बेडकर, वो तो जो मनुवाद है उसके चमचे हैं, इसलिए आपकी वो बात नहीं रखते हैं। जब SC/ST एक्ट की बात आई तो एक व्यक्ति वहां पे बोल नहीं पाया। इसलिए अगर इस गलती को सुधारना है, इस संविधान को लागू करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपनी ताकत संसद में बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मौका आपके सामने है, उसके लिए 2019 का मौका आपके सामने है। आप अपनी ताकत को बढ़ाइए। जैसे जैसे आप अपनी ताकत को बढ़ाएंगे, मैं समझता हूं कि हमें बहन जी के हाथों को मजबूत करना चाहिए, हमें बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अगर बहन जी इस देश का प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये देश सुरक्षित है, ये संविधान सुरक्षित है, तो आप भी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित है। अदरवाइज मनुवादी व्यवस्था जो है दोबारे से अपना सिर उठाना चाहती है। साथियों आज घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात सही है कि उन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल की है, लेकिन राजनीतिक सत्ता आनी जानी होती है। अगर आज उनके हाथ में है तो कल आपके हाथ में हो सकती है। आप दृढ़ निश्चय कीजिए, आप दृढ़ निश्चय जिस दिन कर लेंगे आपके सामने कोई टिक नहीं सकता है। साथियों हमने उनको मजबूत बनाना पड़ेगा, अपनी संस्थाओं को मजबूत करना पड़ेगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही हमें अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए, जितना जल्दी अवसर हो, क्योंकि अवसर बहुत जल्दी आपके पास है, अवसर का फायदा उठाएं। मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, क्योंकि हमें पहचान अवसर की होनी चाहिए और जहां पे अवसर हो अवसर का तुरंत फायदा उठाना चाहिए। बहुजन समाज की एक बहुत बड़ी कमी रही है कि हमारे पास अवसर नहीं रहे, और अब अगर अवसर आए तो हमने उन अवसर का फायदा नहीं उठाया। इसलिए साथियों आज वो घबराए हुए हैं, आपको अपनी बात को आगे बढ़ाने के लिए इस अवसर का जरूर फायदा उठाना, खासतौर पर 2019 का। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।